क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। हाँ देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सपोज वी हैव टू इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equals 0, a2x plus b2y plus c3 equals 0, ये दो इक्वेशन है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वेरीफाई, x y की वेरीफाई करना है। इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो में x y 1 लिखते हैं, फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, x y और 1, ठीक है। सेकंड रो में क्या करते हैं, सेकंड रो में जो है हम कोफिशिएंट लिखते हैं x y और कांस्टेंट टर्म पर। जैसे एक कोफिशिएंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, y से स्टार्ट होगा, y कोफिशिएंट जो है x के नीचे लिखा जाएगा। तो b1 b2 और कांस्टेंट टर्म y के नीचे लिखा जाएगा, c1 c2, ठीक है। और जो है x का कोफिशिएंट 1 के नीचे लिखा जाएगा, x कोफिशिएंट का लिखेंगे 1 के नीचे। और फिर इसके बाद जो है फिर चले कॉपी करें, फिर इस पर सम बताते हैं।